ट्रोमा है, रेटिनल डिटैचमेंट है, उसकी औषध का नाम है गाय का मूत्र, गोमूत्र। गाय का मूत्र इकट्ठा कर लीजिए किसी बाटली में और उसको रख लीजिए, इसी को एक एक थेम आंख में डालना, बस सीधे सीधे। गाय का मूत्र, गाय माने देशी गाय, देशी गाय का मूत्र एक एक थेम रोज रात को आंख में डालिए सोते समय, तो एक से सवा महीने में ये भी आपका कैटरेक्ट ठीक कर देगा, दो सवा दो महीने में ग्लूकोमा ठीक हो जाता है, और तीन महीने सतत डालें तो रेटिनल डिटैचमेंट ठीक कर देगा, चार महीने लगातार डालेंगे तो चश्मा उतार देगा आपका। मोतीबिंद जो है जी, वो मर्च हो जाता है या बाहर निकलता है? मर्च हो जाता है। वो एक्चुअली क्या है, मोतियाबिंद एक तरह से फैट है, वसा है, तो वसा जल जाता है, जल जाता है तो वो वहीं अंदर ही खत्म हो जाता है, बाहर नहीं निकलेगा। जी छान के, अगर अगर गाय बड़ी है जो तीन चार बार मां बन चुकी है, उस गाय का मूत्र लेंगे तो फिल्टर कर लीजिए, और गाय की बछड़ी है तो वो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत शुद्ध होता है और काफी कुछ फिल्टर होके जाता है। आंखों के रोग में मैंने इससे अच्छी कोई औषध अभी तक नहीं देखी, वो मूत्र से अच्छी, एकदम टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं, हर गली हर गांव में उपलब्ध है। और गाय माता इतनी अद्भुत है कि वो कभी भी मूत्र देने के लिए पैसे नहीं लेती, आप डब्बा लगा दो भर लो, लेकिन रखने का है कांच की बाटली, तो कांच की बाटली में अगर आप इसको भर के रखेंगे तो ये कभी भी खराब नहीं होता। गोमूत्र 10 साल 15 साल 20 साल 40 साल तक सुरक्षित रखा रहता है, उसमें कभी भी जंतु नहीं पड़ते। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल में और गाय मूत्र में कभी भी जंतु नहीं पड़ते, माने गंगा जल की जितनी पवित्रता है गाय के मूत्र की भी उतनी ही पवित्रता है। तो इस गोमूत्र का आप भरपूर इस्तेमाल करिए आंखों के लिए। अब बात शुरू हुई है तो आगे और बढ़ता हूं। इसी गोमूत्र का और कहां कहां इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आंखों में तो कर ही सकते हैं, एक एक ड्रॉप डालें, एक एक थेम डालें। कान में अगर कोई भी तकलीफ है आपको, कोई भी तकलीफ, लस निकल रही है, दर्द हो रहा है, कान में खुजली बहुत आ रही है, कुछ कुछ उसमें थोड़े फुंसी कान में हो गए, तो भी एक एक थेम गोमूत्र कान में डाल सकते हैं, दोनों ही कान में डाल सकते हैं। और एक एक थेम गोमूत्र 6-7 दिन ही डालेंगे तो कान के सब रोग ठीक कर देता है। इसी गोमूत्र को और क्या कर सकते हैं, जिनको दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, सांस बहुत भरती है, इतनी सांस भरती है कि 10 कदम चल के बैठना पड़ता है, फिर 10 कदम चलते हैं फिर बैठते हैं, इतनी गंभीर हालत जिनकी है, उनको गोमूत्र पीना चाहिए, आधा कप सवेरे सवेरे खाली पेट। अब आप ये पूछेंगे कि गोमूत्र कैसे पिए, उसमें बात आती है, तो दारू कैसे पीते हैं उसमें भी तो बात आती है। अगर दारू में बोतल की बोतल घटक सकते हैं तो गोमूत्र पीने में क्या तकलीफ है, तो कम से कम दारू से अच्छा। तो जिनको भी दमा है, अस्थमा है, सांस भरती है, दम भरता है, थोड़ा भी चले तो बैठ जाना पड़ता है, सबसे अच्छी औषध उनके लिए है ये गोमूत्र। अगर सतत आधा कप गोमूत्र पीना शुरू करेंगे तो 3 से 3.25 महीने में दम भरना, सांस भरना, ये सब ठीक हो जाए। और गोमूत्र जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी, और कंफर्म है कि उनको टीबी है, डॉक्टर बोलता है कि आपको टीबी ही है, तो मेरी आपकी गारंटी है, मेरी तरफ से आप ये कर लीजिए कि सब दवाएं छोड़ दीजिए, टीवी की कोई दवा मत खाइए, बस आधा कप रोज गोमूत्र सवेरे सवेरे पीते जाइए, 4 महीने के बाद ट्यूबरकुलोसिस जड़ से खत्म हो जाएगा, जड़ से, रूट से, जिंदगी में दोबारा आपको टीवी नहीं होगा। गोमूत्र रोज ताजा होना, ताजा हो तो बहुत अच्छा, और अगर किसी कारण से ताजा नहीं हो सकता तो बाटली में भर के रख लीजिए, 2-3 दिन पुराना भी चलता है, लेकिन ताजा होगा तो सबसे अच्छा। मैंने पिछले 2 साल गोमूत्र के बहुत परीक्षण करके देखे हैं, ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे पेशेंट जो सरकार की दवा खाते हैं, आपने देखा वो डॉट्स आता है, डॉट्स की दवाएं आती हैं, तो जो डॉट्स की दवाएं खाते हैं मैंने उनको बंद करा दिया कि मत खाओ, खाली गोमूत्र पियो,
तो गोमूत्र पीने मात्र से 3 से 3.25 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3.5 महीने में सबको टीडी खत्म हुई। और दोबारा जब उनकी जांच कराई तो डॉक्टर हैरान हो गया कि इतने अच्छे रिजल्ट्स तो डॉट में कभी नहीं आते, आपने दवा क्या दी। मैंने कहा इनको डॉट्स दिया ही नहीं, इनको तो खाली गोमूत्र पिलाया। तो डॉक्टरों को इंटरेस्ट हुआ कि इसमें ऐसा क्या है, ये एंटी टीबी, इसमें कोई एक्टिविटी है क्या, एंटी ट्यूबरकुलोसिस। तो CBRI लखनऊ ने इस पे बहुत रिसर्च किया और उनका ये मानना है कि ट्यूबरकुलोसिस की दुनिया में आज तक जितनी दवाएं बनी हैं उनसे 20 गुना ज्यादा ताकतवर है गोमूत्र, 20 गुना। डॉट्स की गोलियां आती है, सरकार बांटती है, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मिलती है, टीबी की गोलियां देखिए आपने, वो एक पैकेट के रूप में देते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस की लेटेस्ट जितनी मेडिसिन दुनिया में हैं, उन सभी से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है गाय का मूत्र, 20 टाइम्स। जिन बच्चों को बाल अस्थमा दमा है उनके लिए भी, अच्छा। बचपन से जिन बच्चों को दमा है, बहुत सारे बच्चों को जन्म से दमा होता है, उनको आप एक ही चम्मच दीजिए, बड़े लोगों को आधा कप, छोटे बच्चों को एक चम्मच, 14 साल की बच्चे। हाँ हाँ दे दीजिए एक चम्मच, उसको 2 चम्मच तक दे सकते हैं, 14 साल का बेटा या बेटी किसी को भी। तो आप गोमूत्र अद्भुत है, इसको उपयोग करिए दमा में, अस्थमा में, ट्यूबरकुलोसिस में, ब्रोंकियल अस्थमा में। इसी गोमूत्र का और प्रयोग है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको एलर्जी होती है, कई लोगों को कई कई चीज से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी है, तो किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को सेंट से एलर्जी है, किसी को अगरबत्ती के धुएं से एलर्जी है, किसी को धूप बत्ती के धुएं से एलर्जी है, किसी को कांग्रेस घास से एलर्जी है, किसी को किसी से एलर्जी है। दुनिया में ये जितने एलर्जी वाले लोग हैं इनकी सबसे अच्छी दवा है गाय का मूत्र। किसी भी एलर्जी के आप मरीज हैं, आप गोमूत्र पी लीजिए, 4 महीने लगातार पी लीजिए, उसके बाद आप एलर्जी टेस्ट कराइए, आपकी एलर्जी ठीक कर देगा, किसी भी तरह की एलर्जी। और ये गोमूत्र किन के लिए काम आता है, शरीर में त्वचा के जितने रोग आते हैं, इचियोसिस है, खुजली हो गई, सोराइसिस है, एक्जिमा हो गया, फोड़े, फुंसी, ये सब तरह के त्वचा रोगों में सबसे अच्छी औषधि है गोमूत्र। कैसे करना, मालिश करना इसकी, और मालिश करके थोड़ी देर के लिए सूर्य प्रकाश में बैठना और उसके बाद स्नान करना। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिनको गोमूत्र की शरीर पर मालिश करने की दवा है, माने जिनको त्वचा का रोग है और गोमूत्र शरीर पर मालिश करना है, उनको कभी भी साबुन नहीं वापरना चाहिए, किसी भी तरह का साबुन मत लगाइए, तो सारे रोग आपके बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इसी गोमूत्र का और उपयोग आप कर सकते हैं बालों में, अगर बाल बहुत झड़ते हैं, गिरते हैं, गोमूत्र मालिश करिए बालों में, 1 घंटे के बाद बाल धो दीजिए, 1 ही हफ्ते में बाल टूटना बंद हो जाए। अगर आपको शरीर का कोई भी अंग जहां जॉइंट्स में है, माने जोड़ में दर्द दे रहा है, जिसको आप संधिवात कहते हैं, गुड़गे दुखना, कमर दुखना, आप गोमूत्र पी लीजिए, 15 से 20 दिन में जोड़ों का सब दर्द ठीक कर देगा। जिनको संडास नहीं आती, खुलकर नहीं आती, पोट साफ नहीं होता, बहुत ज्यादा मलबद्धता है, गोष्ठबद्धता है, उनको मेरी विनती है कि गोमूत्र पी लीजिए, 1 हफ्ते में ही पोट बिल्कुल साफ कर दे। इस गोमूत्र का उपयोग करके मैंने अब तक 48 बीमारियों का इलाज किया और अद्भुत परिणाम इसके हैं। और ये 48 बीमारियां अक्सर हमें होती है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सबकी औषध गोमूत्र है। कितना भी तेज बुखार आ रहा हो गोमूत्र दे दीजिए, 1 से 1.25 घंटे में बुखार उतरना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छी औषध है। बस इसमें सावधानी एक ही रखनी है कि गाय का मूत्र माने देशी गाय का, जर्सी का नहीं। जर्सी और देशी का अंतर आप समझते हैं, जर्सी गाय के पीठ पर खांदा नहीं होता, वो ऐसे सपाट होती है, और देशी गाय के पीठ पर ऐसा खांदा होता है। तो गोमूत्र माने देशी गाय का मूत्र, और देशी गाय में बछिया का हो, बछड़ी का, जो कभी मां नहीं बनी है, तो वो सबसे अच्छा हर एक बीमारी। और बछड़ी है और काले रंग की है तो सर्वोत्तम, काले रंग की बछड़ी अगर है उसका मूत्र कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है।
गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर और पेट का कैंसर, ये तीन कैंसरों में मैंने उपयोग करके देखा है काली बछड़ी का मूत्र, अद्भुत परिणाम देखा। आप बोलेंगे कैंसर में खाली गोमूत्र से हो जाता है, गोमूत्र के साथ एक छोटी सी औषध और देनी पड़ती है कैंसर में, सिर्फ कैंसर में, और वो है हड़द का रस। आंबा हड़द है ना, ताजा, उसका रस सुबह सुबह आधा कप गोमूत्र देना, एक तास नंतर आंबे हड़द का रस देना, दो या तीन चम्मच, 4 से 5 महीने सतत दें तो गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर, पोस्ट का कैंसर, बहुत अच्छे परिणाम, बहुत ही अच्छे। और इसलिए अमेरिका की सरकार ने गोमूत्र पर पेटेंट करा लिया, उनको ये मालूम हो गया। और अमेरिका की सरकार ने हड़प पे भी पेटेंट करा लिया, क्योंकि वो कैंसर में उपयोग हो रही है। तो हमारे आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार जिंदगी की खराब से खराब कोई बीमारी, खराब से खराब रोग है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या तो स्वयं पाक घर, नहीं तो स्वयं पाक घर के नजदीक का जो इलाका है इसी में आपके सभी रोगों के इलाज हो सकते हैं। एक भी रोग ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़े। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, इसी गोमूत्र से आप मूड़ व्याध, बवासीर और भगंदर तीनों रोग को ठीक कर सकते हैं। जिनको मूड़ व्याध है, बवासीर है, भगंदर है, वो रोज आधा कप गोमूत्र पिए और उसके एक तास के बाद केले में कपूर रख के खाएं, केला है पका हुआ केला, उसको काटें और थोड़ा कपूर उसमें रख के केले को खाएं। 7 दिन अगर केला और कपूर खा लिया तो आपकी बवासीर खूनी हो या बिना खूनी ठीक कर देगा। 15-17 दिन अगर खा लिया तो मूड़ व्याध और भगंदर भी ठीक कर देगा।